हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम आईएमओ ओलंपियाड वर्कबुक 2 का चैप्टर नंबर 7 करेंगे। सो उस चैप्टर के अंदर, चैप्टर का नेम है पिक्टोग्राफ्स, और देख लेते हैं क्या सिलेबस है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। सो जैसे कि आप देख रहे हैं क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड हैं, सिर्फ एक ही टॉपिक एक तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें लिखा हुआ है आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डेटा इन पिक्टोग्राफ और पिक्चर ग्राफ। यानी कुछ पिक्चर्स के फॉर्म में या पिक्चर्स के फॉर्म में आपको कुछ डेटा दिया गया होगा, उसके रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे आपको उस बेस्ड पर क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं उस ग्राफ को या उस पिक्चर को देखते हुए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बात की, आपको पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, उन पे आपने आंसर्स देने हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अ रोज, रोज की पिक्चर दे दी गई है, ठीक है, आपको पिक्चर बताइए, कोडिंग एक तरह से दी हुई है। तो एक रोज है, उसकी वैल्यू है 3 के बराबर है, तो इतने सारे रोज की वैल्यू क्या होगी। एक रोज की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 1 2 3 4 5 6 सिक्स रोज की वैल्यू जो है वो कितनी रहेगी। तो ये दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं, या तो आप इसमें 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 कर लें, या फिर सिंपली आप काउंट कर लें नंबर ऑफ रोजेस, कितने रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 सिक्स रोजेज हैं, और एक रोज की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 = 18, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 18। सेकेंड क्वेश्चन है इफ अ मंकी, मंकी स्टैंड फॉर 12, एक मंकी की वैल्यू 12 है, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ 3 मंकीज। सो फिर से वही मैंने किया, कितने काउंट किए, 1 2 3 3 मंकीज, 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, क्या वैल्यू दी हुई थी हमारे पास 12, 3 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे पता है 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आप टाइम लगेगा, तो 12 3 जा भी कर सकते हैं ना, 3 12 जा या 12 3 जा एक ही बात होती है, तो 12 3 जा 36, 36 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी ऑप्शन। निकलते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है इफ 1 2 3 4 5 6 सिक्स फिशेज स्टैंड फॉर 24, 6 मछलियाँ 24 की बराबर हैं, तो 1 2 3 तीन मछलियाँ कितनी बराबर होंगी। तो इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे 6 मछलियों में से एक मछली की वैल्यू निकाल लें और फिर सॉल्व कर लें, या फिर क्या कर सकते हैं हम, ये भी है कि 6 हैं और यहाँ 3 है, यानी आधा हो गया ना, 6 की आधी होती है 3, तो 24 की आधी कितना हुआ, 12। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, 12। अब आता है हमारे पास इफ ग्लास, 1 2 3 4 5 ग्लासेस जो हैं उसकी वैल्यू 75 है, तो दो ग्लासेस की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए ये 5 और 2 जो है वो कहीं से रिलेट नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें एक ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा कि हमें पहले यहाँ पे एक ग्लास की वैल्यू निकाल लें। अगर 5, ये होता है यूनिटरी मेथड, कि अगर 5 चीज़ों की वैल्यू आपको दे रखी है कि 75 है, हमें यहाँ पर एक ग्लास की वैल्यू निकालनी है, तो एक ग्लास की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 75 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 75 को मैंने अगर 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया आंसर 15। 75 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 15। अब बोल रहा है यानी एक ग्लास की वैल्यू 15 है, तो दो ग्लासेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 + 15 = 30। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक, द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एक कुछ पिक्टोग्राफ दिया गया है, ये हमें यूजफुल है क्वेश्चन नंबर 5 टू 7 करने के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, इसमें हर एक सेक्शन के क्लास टू के डिफरेंट सेक्शन के स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, जैसे 2A में इतने हैं, 2B में इतने हैं, 2C में इतने हैं, 2D में इतने हैं। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, हमें ग्राफ को पढ़ना है और जो आंसर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है। एक और चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, इसका की क्या दी हुई है, कि जो हर एक स्माइली है वो 5 स्टूडेंट्स के बराबर है। अगर आप की को नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे, कि सेकेंड ए में सिर्फ 4 बच्चे हैं, सेकेंड बी में सिर्फ 3 बच्चे हैं, सेकेंड सी में सिर्फ 3 बच्चे हैं, सेकेंड डी में सिर्फ 5 बच्चे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक स्माइली का मतलब है 5 स्टूडेंट्स, यानी एक, अगर यहाँ पे 4 स्माइली दी गई हैं तो इस क्लास के अंदर हैं 4 × 5, दैट इज 20 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास के अंदर। यहाँ 3 स्माइली दी गई है, यानी 3 × 5, क्योंकि एक स्माइली 5 के बराबर है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर भी 3 स्माइली दी गई हैं,
तो यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 के बराबर है। और यहाँ पर हमारे पास 5 स्माइली दी गई हैं, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ पर है हमारे पास 25 स्टूडेंट्स। तो ये है एग्जैक्ट स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको की जो है वो बहुत ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किस क्लास में है। तो इसके लिए हमें नंबर एग्जैक्टली देखने की जरूरत नहीं, हम स्माइली को देख के पता लगा सकते हैं सबसे ज़्यादा स्माइलीज किस वाले ब्लॉक में थी। 2D, यानी 2D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। 6th क्वेश्चन कह रहा है विच टू सेक्शंस हैज सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, किन दो सेक्शंस में सेम स्टूडेंट्स हैं। कौन कौन से सेक्शंस थे वो, 2B एंड 2C। सो 2B एंड 2C, दिस इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 2C एंड 2B। तो एक सीक्वेंस में 2B 2C लिखें या 2C 2B लिखें, एक ही बात होती है। 7th क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेती हूँ मैं। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देर इन क्लास 2, यानी सारे स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल, यानी सेक्शन ए बी सी डी को मिला के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड कर लेती हूँ मैं। 20 + 15 + 15 + 25, तो अगर मैं यहाँ ऐड करूँगी तीनों 5 को तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 5, यहाँ कैरी हो जाएगा 1 75, यानी टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास 2 के अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 75, ठीक है। सो एक ही ग्राफ से आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। सिमिलरली अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए एक ही ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करने के लिए क्या कह रहा है इस ग्राफ के अंदर, द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ फ्लावर्स पिक बाय 4 गर्ल्स। ये 4 लड़कियां हैं, नूपुर, कीर्ति, अनुषा, दिव्या, इन्होंने कुछ फूल तोड़े हैं, ये यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पर भी की है, इसका मतलब ये नहीं नूपुर के पास 9 फ्लावर देखना है तो 9 ही फ्लावर तोड़े हैं उसने, नहीं, हर एक फ्लावर का मतलब है 2 फ्लावर एग्जैक्ट में। तो अगर 9 है तो इसका मतलब नूपुर ने 18 फ्लावर्स तोड़े हैं। अगर ये कीर्ति ने 10 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब कीर्ति ने 20 तोड़े हैं डबल। यहाँ पे 11 दिखा रहे हैं, यानी अनुषा ने 22 तोड़े हैं। दिव्या के पास 8 दिखाई दे रहे हैं, तो यानी इसने 8 × 16 तोड़े हैं। तो देखते हैं नूपुर एंड अनुषा पिक्ड डैश फ्लावर ऑल टुगेदर, नूपुर और अनुषा ने टोटल मिला के कितने फ्लावर तोड़े। तो ये कितना है यहाँ पे नंबर 9, और यहाँ पे कितना है 11। 9 + 11 कितना हो गया हमारे पास 20। लेकिन ये तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ फ्लावर्स है ही नहीं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ फ्लावर्स तो कितना है, एक फ्लावर की वैल्यू दो फ्लावर के बराबर है एग्जैक्टली ना। सो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 × 2 इज इक्वल्स टू 40। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन है दिव्या पिक डैश फ्यूअर फ्लावर देन कीर्ति। फ्यूअर, दिस वर्ड इज फ्यूअर, यानी दिव्या ने कीर्ति से कितने कम फूल तोड़े। दिव्या ने कितने ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 8, और कीर्ति के पास कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 10, यानी कितना हुआ 10 - 8 = 2। लेकिन एक फ्लावर की वैल्यू 2 है, सो 2 × 2 = 4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आया ना, 10 - 8 = 2, और लेकिन हमें की के अकॉर्डिंग देखना है, तो एक फ्लावर की वैल्यू 2 है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के लिए हमें नेक्स्ट पिक्टोग्राफ दिया गया है। उस पिक्टोग्राफ में क्या है, द गिवन पिक्चर ग्राफ शोज द वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड्स इन अ फार्म। कुछ अलग अलग बर्ड्स दी गई हैं और उनकी की दी हुई है। क्या की दी हुई है कि हर एक बर्ड, एक चिड़िया का जो साइन है, सिंबल है, वो 10 बर्ड्स के बराबर है। यानी यहाँ पर 6 पैरट दिखाई दे रहे हैं तो 6 नहीं होंगे ये 60 होंगे, यहाँ 7 दिखाई दे रहे हैं तो ये 70 होंगे, यहाँ 8 दिखाई दे रहे हैं तो ये 80 हैं, यहाँ 4 दिखाई दे रहे हैं तो ये 40 हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम इन नंबर, सबसे ज़्यादा क्या है। तो आप देख के ही पता लगा लेंगे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, पिजन्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पिजन्स। आप कह रहे हैं हाउ मेनी मोर स्पैरोज आर देयर इन देन द पैरट। स्पैरो जो हैं वो पैरट से कितनी ज़्यादा हैं, कितनी ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं, ये 7 हैं, यानी एक यही एक्स्ट्रा है ना। लेकिन एक बर्ड की वैल्यू कितनी होती है, 10। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप स्टूडेंट्स आप इंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस। तो बिना देरी के आगे देखते हुए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 - 14 के लिए ये वाला ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में क्या है, द गिवन पिक्चर शोज द नंबर ऑफ स्टार स्टिकर्स अचीव बाई 5 चिल्ड्रन इन अ मंथ। एक मंथ में इन बच्चों को ये 5 स्टिकर्स मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे आपकी नोटबुक में। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपके टीचर्स आपको स्टार्स देते हैं ना, तो ये इस तरह से ही इन स्टूडेंट्स ने बनाया है अपना डेटा कि एक मंथ के अंदर अंदर अली को 2 स्टार मिले हैं, अंशु को 3 मिले हैं, लेकिन
लेकिन लेकिन लेकिन ये एक स्टार जो है वो एक स्टार नहीं है, एक स्टार की वैल्यू कितनी है, 3 स्टार वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो आप हमें क्वेश्चन नंबर 12 to 14 इससे रिलेटेड आंसर देना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 12 क्वेश्चन कह रहा है, हु गॉट द मिनिमम स्टार, सबसे कम स्टार किसको मिले हैं, जॉय को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। विच टू चिल्ड्रेन गॉट द सेम नंबर ऑफ स्टार, कौन से दो बच्चे जिनको सेम स्टार मिले हैं। एक तो ये है सबसे ऊपर वाला अली, उसको भी यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, और मोना, मोना अली एंड मोना को सेम स्टार मिले हैं, यानी अली एंड मोना। दिस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। मैरी गॉट डैश मोर स्टार देन अंशु, मैरी को अंशु से कितने ज़्यादा मिले। अंशु कहाँ है, ये री, मैरी कहाँ है, ये, तो कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5, 2 स्टार्स। लेकिन 2 स्टार्स किसके बराबर होंगे, 1 स्टार 3 के बराबर है, तो 2 स्टार्स कितने होंगे, 6 के बराबर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 to 17। किरी हमारे पास ये ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या दिया हुआ है, द गिवन पिक्चर ग्राफ शोज द नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स मिस्टर शर्मा सोल्ड इन 4 different months। मिस्टर शर्मा की रेफ्रिजरेटर की शॉप है और उन्होंने सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इतने इतने रेफ्रिजरेटर सेल किए हैं। तो हमें ग्राफ को केयरफुली रीड करना है और आंसर देने हैं। लेकिन एक स्क्वायर का मतलब 10 रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। सो हाउ मेनी रेफ्रिजरेटर डिड मिस्टर शर्मा सोल्ड इन अक्टूबर, अक्टूबर में कितने सोल्ड किए हैं, 1 2 3। 1 10 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर हुआ, 30। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इन विच मंथ लीस्ट नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड, सबसे कम रेफ्रिजरेटर किस मंथ में सोल्ड हुए हैं, नवंबर में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 17, हाउ मेनी मोर रेफ्रिजरेटर्स वर सोल्ड इन दिसंबर देन नवंबर, दिसंबर एंड नवंबर, यानी दिसंबर में कितने ज्यादा सोल्ड हुए नवंबर से। नवंबर में सिर्फ 2 ही हुए थे, यहाँ पर 2 ये रहे, कितने एक्स्ट्रा हैं, 3। लेकिन 1 का मतलब 10, तो 3 का मतलब 30, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 to 20। इसमें क्या दिया हुआ है, द गिवन पिक्चर ग्राफ शोज द टाइप्स ऑफ कलर वेरियस चिल्ड्रन प्रेफर। सो ये दिया हुआ है, जैसे रेड कलर कितने बच्चों को पसंद है, ब्लू कलर कितने बच्चों को पसंद है, ग्रीन कलर कितने बच्चों को पसंद है, ऑरेंज कलर कितने बच्चों को पसंद है, और हर एक कलर, क्रेयॉन का मतलब है 2 बच्चे, ठीक है। सो हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन प्रेफर रेड कलर देन ब्लू कलर। रेड और ब्लू का कंपैरिजन करना है, रेड ये है, ब्लू ये है, कितने ज़्यादा बच्चों को पसंद है। यहाँ देखिए कितना है, 6 6 6 और 6 मैंने यहाँ से काट दिए, यहाँ से 6 काट दिए, एक ये है, एक ये है, कितने एक्स्ट्रा बचे, 3। एक क्रेयॉन का मतलब 2, तो 3 क्रेयॉन का मतलब 3 2 6, यानी 6 बच्चों को रेड कलर ज़्यादा पसंद है ब्लू के कंपैरिजन में। विच कलर इज लीस्ट लाइक बाई चिल्ड्रन, सबसे कम कौन सा कलर है जो सबसे कम पसंद किया जाता है बच्चों के द्वारा, ऑरेंज, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी चिल्ड्रन प्रेफर ग्रीन एंड ऑरेंज कलर ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर बोला है, देन नहीं बोला, ग्रीन और ऑरेंज ऑल टुगेदर, यानी ग्रीन और ऑरेंज मिला के कितने बच्चों को पसंद है। तो देखते हैं कितने, ये हैं 12 और ये हैं 8, यानी 12 + 8 कितना हो गया, 20। जब एक क्रेयॉन 2 के बराबर है तो 20 क्रेयॉन कितने के बराबर होंगे, 2 20 = 40। सो दिस इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुके हैं हमारे पास, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 के लिए। ये वाला ग्राफ दिया गया है, देखते हैं इस ग्राफ में क्या बोल रहा है। बोल रहे हैं द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ लीडिंग बुक स्टोर इन 4 different months, कि 4 different months दिए गए हैं, दिया हुआ है कि इतनी इतनी बुक्स जो है वो सोल्ड हुई हैं। अब आपको बताना है हाउ मेनी बुक्स, और की क्या है, एक बुक का सिंबल का मतलब है 8 बुक्स। तो हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 4 months ऑल टुगेदर, चारों महीनों में कितना, तो आपको प्लस करना पड़ेगा, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 + 4 + 10 + 11, तो टोटल कितना हो गया, 9 + 4 + 10 + 11 हो गया हमारे पास, 9 and 11 is 20 30 34, ठीक है। जब एक बुक 8 के बराबर है तो 34 कितने के बराबर होंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से, सो 8 4 = 32, 3 is carry, एंड 8 24 25 20 27 27 272। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस।
क्वेश्चन नंबर 22 में देख लेते हैं, हाउ मेनी मोर बुक्स वर सोल्ड इन जनवरी देन फरवरी। जनवरी देन फरवरी कितनी एक्स्ट्रा है, 9 में से 4 माइनस किया मेरे पास कितना आया 5, पर 5 कितना है मल्टीप्लाई बाय 8 करना जरूरी है क्योंकि एक बुक की वैल्यू 8 बुक्स के बराबर है यहाँ पर, एक सिंबल की वैल्यू। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 5 8 40। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23-25। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, द गिवन पिक्चर ग्राफ शोज द वेरियस टाइप्स ऑफ कलेक्शन दैट चिल्ड्रन प्रेफर। यानी बच्चों को किस तरह की चीजें कलेक्ट करने में मजा आता है, स्टैम्प्स इतने बच्चों ने कलेक्ट की, स्टिकर्स इतने बच्चों ने कलेक्ट किए, शीशेल्स इतने बच्चों ने कलेक्ट किए, कॉइन्स इतने बच्चों ने कलेक्ट किए, और एक सिंबल का मतलब है 4 बच्चे। ठीक है, अब आपको बताना है हाउ मेनी चिल्ड्रन प्रेफर कलेक्टिंग स्टिकर्स। स्टिकर्स कितने बच्चे पसंद करते हैं कलेक्ट करना, 1 2 3 4 5, 5 सिंबल है और हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 5 4 20। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 24th, विच टाइप ऑफ कलेक्शन इज मोस्ट पॉपुलर। सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद करते हैं बच्चे कलेक्ट करना, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, स्टैम्प्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। 25th, हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन प्रेफर कलेक्टिंग कॉइंस देन शीशेल्स। शीशेल्स और कॉइंस में कंपैरिजन करना है, कितने एक्स्ट्रा दिख रहे हैं आपको यहाँ पे 3, लेकिन जब 1 का मतलब 4 है तो 3 का मतलब कितना हुआ 3 4 12। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, तो 25 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अचीवर सेक्शन की तरफ, जो कि है हमारे हॉट्स क्वेश्चन। थोड़ा सा लेवल जो है क्वेश्चन का बढ़ जाएगा, और ये वाले क्वेश्चन मैं हमेशा से बताती हूँ आपको, जो अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, ज्यादा मार्क्स होता है। बाकी सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क के होते हैं, लेकिन अचीवर सेक्शन के जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का। तो आपको बहुत ध्यान से करने की जरूरत है कि अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो आपके 2 नंबर कम हो जाएंगे। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं, द गिवन पिक्चर ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बैलून सोल्ड फ्रॉम थर्सडे टू संडे। यानी थर्सडे से संडे तक इतने इतने बैलून जो है वो सोल्ड आउट हुए हैं, और एक बैलून का सिंबल जो है वो एक ही बैलून के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 बैलून इज ₹10, एक बैलून की कॉस्ट ₹10 है, तो आपको बताना है चारों दिनों में कितना मनी जो है कलेक्ट हुआ। तो पहले हम देख लेते हैं कितने बैलून सोल्ड हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 बैलून्स यहाँ पर, 3 बैलून्स यहाँ पर, 4 बैलून्स यहाँ पर, 6 बैलून्स यहाँ पर, टोटल कितने बैलून्स हो गए, 6 + 4 10 + 3 13 + 5 18 बैलून्स। जब 1 बैलून की कॉस्ट ₹10 है तो 18 बैलून की कॉस्ट कितनी होगी, 18 × 10। तो हम किसी भी नंबर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, वही नंबर होता है ना, उसके आगे 10 जीरो लगा देते हैं, जैसे 2 10 20, 3 10 30, 4 10 40, 5 10 50, 6 10 60, तो 18 10 180। सो ऑप्शन नंबर डी 180 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, 27th क्वेश्चन देख लेते हैं। 27th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काव्या नीड सम कलर्ड पेपर टू कम्प्लीट हर स्कूल प्रोजेक्ट। आप लोगों को भी स्कूल प्रोजेक्ट मिलते होंगे, तो काव्या को भी कोई स्कूल प्रोजेक्ट मिला है, उसको कुछ कलर्ड पेपर चाहिए अपना कलर, अपना प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने के लिए। तो वो क्या कर, उसने क्या किया, वो कुछ पेपर्स लेके आई, जैसे 12 ग्रीन कलर पेपर लेके आई, 15 ब्लू कलर पेपर लेके आई, 9 येलो कलर पेपर लेके आई, 18 रेड कलर पेपर लेके आई। लेकिन वो उसको पिक्टोग्राफ में उसने कैसे शो किया है, एक पेपर का सिंबल जो है वो 3 पेपर्स की बराबर है, एक पेपर का सिंबल 3 पेपर्स की बराबर है। तो हमें बताना है कौन सा पिक्टोग्राफ जो है उसने सही बनाया है, कौन सा पिक्टोग्राफ सही बना। ठीक है, देखते हैं, 12 ग्रीन कलर पेपर है और एक पेपर की वैल्यू, एक पेपर सिंबल की जो वैल्यू है वो 3 पेपर के बराबर है, यानी 12 को कितना मानेंगे हम, 12 को 12 / 3 = 4, यानी ग्रीन 4 होने चाहिए, 15 / 3 = 5, 9 / 3 = 3, एंड 18 / 3 = 6। अब देख लेते हैं, 4 ग्रीन कलर पेपर, 1 2 3 4 यहाँ है 4, ठीक है, 1 2 3 4 ये भी हो सकता है, 1 2 3 नहीं ये नहीं हो सकता, तो यानी ये ऑप्शन तो हम मना ही कर देते हैं कि ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब हमारे पास नन ऑफ द दी, अगर कुछ भी नहीं होता तो नन ऑफ दीज लगाएंगे, यानी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 15 ब्लू कलर पेपर था, यानी 3 पेपर को अगर मैं लगाऊंगी तो 5 ब्लू कलर पेपर होने चाहिए, 5 1 2 3 4 5 5 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर भी हैं, इसका मतलब दोनों ही सही हो सकते हैं।
9 येलो कलर पेपर थे, यानी 3 येलो कलर, 3, सो 1 2, यहाँ 2 हो गए, ये तो गलत हो गया, 1 2 3, ये ठीक है। सो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन भी गलत होता है और ये ठीक है। अब सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, अगर ये वाला ठीक होता है रेड वाला तो हमारा ये ठीक होगा, अदरवाइज हम नन ऑफ दीज लगाएंगे, ठीक है। सो 18 रेड कलर पेपर, यानी 6 रेड कलर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और चारों ऑप्शन जो है, चारों जो कैटेगरी थी वो फुलफिल कर रही है, सही बता रहे हैं, तो यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। कहता है एक गिवन पिक्चर ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर द इवेंट एट अ स्पोर्ट्स मीट। कोई स्पोर्ट्स मीट है तो उस पे इतने इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, हाई जंप में इतने बच्चों ने, लॉन्ग जंप में इतने बच्चों ने, मैराथन में इतने बच्चों ने, 100 मीटर स्प्रिंट में इतने बच्चों ने, 400 मीटर रिले में इतने बच्चों ने, और एक हर एक सिंबल का मतलब 5 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर विच इवेंट इज सेम एज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर मैराथन एंड 400 मीटर रिले टुगेदर। मैराथन और 400 मीटर रिले टुगेदर को मिला के कौन सा एक गेम है जिसके बराबर आ रहे हैं, यानी दोनों को मिला के कितना हुआ, 2 + 4 = 6। तो 6 किस में आ रहा है, 6 इसमें है, इसमें तो 5 है, तो हाई जंप जो है वो हमारा करेक्ट वन है, हाई जंप इज द करेक्ट आंसर। हमें बताना था मैराथन एंड 400 मीटर रिले रेस को मिलाकर किसके बराबर बैठ रहा है, तो वो हाई जंप आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय सम स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों के नाम दिए गए हैं और दिया गया है कि उन बच्चों ने कितने कितने प्लांट्स, कितने कितने ट्रीज लगाए हैं, ठीक है, और हर एक ट्री के सिंबल का मतलब है 4 ट्रीज। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट, यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो देख लेते हैं हम फटाफट से, रीड करते हैं। राहुल प्लांटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज, राहुल ने सबसे ज्यादा ट्री लगाए हैं, देखें, यस राहुल ने सबसे ज्यादा, यानी ये स्टेटमेंट ठीक है। समायरा एंड तरुण प्लांटेड सेम नंबर ऑफ ट्रीज, समायरा और तरुण ने सेम नंबर ऑफ ट्रीज लगाए हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस ये भी करेक्ट है हमारे पास। अर्जुन प्लांटेड द लीस्ट नंबर ऑफ ट्रीज, 1 2 3 4, सबसे कम लगाए हैं, यस ये भी करेक्ट है। टीना प्लांटेड 25 ट्रीज, टीना ने 25 ट्रीज लगाए हैं, देखें, 1 2 3 4 5, ये तो 5 है और एक हर ट्री का मतलब क्या है, 5 4 = 20, टीना ने तो 20 ट्रीज लगाए हैं, लेकिन याद रखा है कि टीना ने 25 ट्रीज लगाए हैं, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारी गलत है, यानी यही पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट वाला पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 4 चिल्ड्रन कलेक्टेड सम सांता पिक्चर्स कार्ड, कुछ बच्चे हैं, 4 बच्चे, कीर्ति, प्रिया, श्रुति, मिशिका, इन्होंने कुछ सांता के पिक्चर कार्ड कलेक्ट किए कहीं से। हर एक कार्ड का मतलब है 30 कार्ड्स, हर एक सिंबल का मतलब है 30 कार्ड्स। अब आपको आंसर बताना है, तो इसके लिए क्या आंसर है देखें, अरे तो ये हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कि किसने कितने, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैच द गिवन नंबर, आपको बच्चों के कॉलम से नंबर ऑफ कार्ड्स जो उन्होंने जितने कलेक्ट किए हैं वो मैच करने हैं। तो इसके लिए ऑफकोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया स्क्रीन को, ताकि आपको सही बता दिख जाए, क्वेश्चन और जो ग्राफ है दोनों साथ साथ दिखाई देते रहे। तो कीर्ति 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो गया, 180। 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 30 इज 150। 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 30 इज 210। 4 मल्टीप्लाई बाय 30 इज 120, ठीक है। अब आपको मैच करना है यहाँ पर, तो देखिए कीर्ति है, कीर्ति ने कितने बनाए थे, 180 कहाँ है हमारे पास, बी ऑप्शन पे, यानी फर्स्ट का हमारा बी है। प्रिया ने कितने बनाए, 150, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो प्रिया का ए हो गया।
श्रुति, श्रुति के हैं हमारे पास 210, ऑप्शन नंबर डी। मिशिका के हमारे पास है 120, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि हमें वैल्यूज पता चल चुकी हैं। तो 1 का बी, सेकेंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का सी, यानी बी ए डी सी, ये सीक्वेंस होना चाहिए। बी ए, ये तो नहीं है, बी ए भी नहीं है, ये है बी ए डी सी। दिस इज द करेक्ट आंसर, बी ए डी सी। क्योंकि 1 से हमने बी को मैच किया, 2 से ए को मैच किया, 3 से डी को मैच किया, 4 से सी को मैच किया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर की सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर नहीं हुए तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी चैप्टर नंबर 1-7 जो है, 1-6 की वीडियोज़ के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप पिछले चैप्टर्स का लिंक वहाँ से देख सकते हैं और वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, थैंक यू सो मच।